हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस अपन को सिर्फ 70 सब्सक्राइबर्स चाहिए 1400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। गाइस मैं जानता हूं कि अगर आप लोगों ने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस महीने के एंड तक ही अपने 1400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी पहली यूजर गाइस लूसीफर को लेके। तो गाइस लूसीफर ने ज्वाइन कर लिया इनिशिएटिव ई-स्पोर्ट्स। अपनी अगली यूजर गाइस गॉडलाइक को लेके, तो गाइस गॉडलाइक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि गॉडलाइक की जो करंट लाइनअप थी वो डिसबैंड हो गई है। एंड टीम का डिसबैंड होना अचानक से, तो हाईली चांसेस कि जो TSM के प्लेयर्स हैं वो गॉडल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि TSM के प्लेयर्स को भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। एंड आप सभी को पता ही है कि गॉडल के प्लेयर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे टूर्नामेंट के अंदर। एंड उसके बाद भी अगर टीम डिसबैंड हुई तो हाईली चांसेस है कि जो TSM के प्लेयर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं गॉडल। एंड क्रॉन्टर ने भी बात करी उनके फ्यूचर प्लान्स को लेके एंड क्यों गॉडलाइक डिसबैंड हुई। तो क्रॉन्टर ने क्या कुछ बोला वो आप देख सकते हैं। क्यों डिसबैंड किया भाई, मैंने पूरा बता दिया है। अब क्यों डिसबैंड किया गाइस, ऑब्वियसली बात है हम अभी तो किसी टीम के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि हम लेने वाले हैं उनको, फिक्स है क्या है क्या नहीं है, बातचीत जो भी है आने वाले डेज में आपको पता चल जाएगा। और जो भी है मैंने टीम के साथ शेयर कर चुका हूँ जो भी चीज़ है। तो हाँ, और बहुत सारी चीज़ें थी गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि एस्पावर भी अभी खेल नहीं सकता कॉम्पिटिटिव, है ना। 3-man स्क्वाड है, अभी हम 4th प्लेयर ढूंढ रहे थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये तो चलो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो मेरे लिए कुछ मतलब ये नहीं था टीम डिसबैंड करने के लिए कि बस एक प्लेयर नहीं था तो मैंने, ऐसा नहीं था, कुछ फ्यूचर प्लान्स थे उसके लिए मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा और कुछ नहीं है। बाकी गाइस मान के चलो आने वाले एक साल में, एक साल भी यार बहुत हो गया, एक साल तो मेरे लिए बहुत है, आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस होने वाले हैं। मतलब कि कभी भी किसी ने गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स से वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। और जो भी आप सोच रहे हो ना वो तो अनाउंसमेंट, बाकी मैं कुछ फ्यूचर प्लान रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि मतलब मैं इतना दिन मतलब बस वेट एंड वॉच आ रहा, और कुछ नहीं। बूट कैम्प हो चाहे फिर इंटरनेशनल टीम साइन करना हो, फिर वो इंडिया में हो, इंडोनेशिया में हो, चाइना में हो, दुबई में हो, किधर भी हो, आने वाले एक साल में मैं आपको इतना श्योर बता, ई-स्पोर्ट्स का देखो मेरे को कंटेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। अगर मेरे को कंटेंट से फ़र्क पड़ता तो मैं ऐसे लोगों को साइन करता जिनसे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आए, डील्स आए, और जिससे मेरा फ़ायदा हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कोई भी और यही सोचेगी कि हम प्रॉफिट में चले, है ना। अभी तक मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें से तो मैं लॉस में हूँ, बट वो मैं लॉस में कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि मेरे पास गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के पास बहुत अच्छी टीम है, ई-स्पोर्ट्स टीम है। अब गाइस देखो ये डिसीजन है, ऐसा नहीं है कि मैंने इमोशनली होके लिया हुआ है। गाइस इमोशनली मत सोचो यार, एज अ तुम मेरी जगह होते ना तुम सोचो क्या करते, तुम समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जब धीरे धीरे आपको पता चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और जैसे आप सभी ने देखा कि क्रॉन्टर ने क्या कुछ बोला, तो देखते हैं कि गाइस अपन को एक्स गॉडल के जो प्लेयर्स है वो कौन सी न्यू लाइनअप को ज्वाइन करते हैं, एंड जो TSM की अनाउंसमेंट है वो अपन को कब तक देखने को मिलती है। जो भी इससे और रिलेटेड अपडेट आएंगे वो मैं आप सभी को अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अपनी अग्रिम से गाइस नोवा किंग को लेके, तो गाइस नोवा किंग गुस्सा हो जाते हैं सांगवान पे। तो गाइस क्लिप दिखाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नोवा किंग और सांगवान के बीच कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई है, सिर्फ मजाक चल रहा था। एंड मजाक में नोवा किंग ट्रिगर हो जाते हैं। तो नोवा किंग ने क्या कुछ बोलते हैं सांगवान को एंड क्या पूरा मैटर हुआ था वो आप देख सकते हो। मैं खाना खा रहा हूँ, और अगर खाना खाते तुम चुपा वगैरह लेते हो तो वही मेरी ऐसे शौक तो नहीं है तुम्हारे। अरे मेयोनीज़ तो लेता होगा ना साथ में, तो थोड़ा जरूर करना। नहीं भाई कुछ नहीं लेता मैं, दही खाते तो खाता होगा। वो तेरा खट्टा वाला लाइन ऐसे कर रहा है। तुम मेरे को बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो ये सब फालतू कामों में। नो आई थिंक मैं नहीं कर रहा भाई। मावी ने तो दिया है इसका एक्सपीरियंस, देखो तेरे का एक्सपीरियंस है। सरवन सरवन दो बार जब गुस्से में चुप रहेगा कैसा लगेगा तेरी। मैं आदमी ना
मेरे ख्याल में तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि एक एक लिमिट तक जब समझ में समझ रही मैं चुप उठती है तो मैं उठ लेता हूँ बकचोदी मत पहल बहन चौदह में हेलो जूड भाई जूड नहीं जॉर्ड भाई मैं चुप हो गया बैंड के लड़ो खेलो भाई मार चुप अरे हंसी तो रहा हूँ भाई बोल रहा हूँ अबे हंसी तो रहा हूँ भाई बोल रही है अबे भाग जा हम घर में खेलने पान मराओ चुप कुछ बोल रही है भाई हंसी तो है गुस्से हो क्या अबे यार Guys, नोवा पता कैसा है नोवा हम सबकी गर्लफ्रेंड है उसको मनाना पड़ता है भी मनाना पड़ेगा लिमिट है भाई तुम लिमिट क्रॉस कर देते हो कई बार अरे कोई नहीं यार कोई नहीं सॉरी मेरी हमने आज ने आज फिर से दिमाग खराब कर दिया बोले जा रहे हो भाई मैं सामान किसी ने बोल दिया मत बोल भाई मत बोल हो गया मैंने एक बार ही बोला भाई सुनना सुनना किसी को समझ में नहीं आ रही किसी देखे जाऊं तेरे को आगे बोल दूंगा मैंने बेलगांव किसी देखे जाऊं आगे अरे भाई वो समझ रहा है ना तुम्हारी बात मैं क्या बोल रहा हूं हां मैं समझ गया आ जा फिर मैं और सांगर रोटेट कर रहे हैं तू आगे कमेंट्री करो अपनी अग्निजी गाइस न्यू को लेके तो गाइस रिसेंटली जिगोर ने अपने चैनल पे एक हाइलाइट्स वीडियो डाली थी जिसमें न्यू टॉक्सिक वे में कुछ कहते हैं डीआरएस के प्लेयर्स को एंड गाइस उसी के बाद न्यू को नेपाल की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा एंड जिगोर ने वो वीडियो तो प्राइवेट कर दी लेकिन गाइस उसी के बाद न्यू इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे एंड न्यू ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और ये लिखा कि जो भी और उनके डीआरएस के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी है उसको एंड कर दो तो जब न्यू लाइव आए थे तो न्यू ने बात करी थी इस मैटर के ऊपर तो न्यू ने क्या कुछ बोला वो आप खुद ही देख लीजिए इन गेम गेम खत्म और रियल लाइफ में हम लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को नहीं भाई जल्दी जल्दी हैट हैट स्पैम कर दो भाई चैट में जल्दी जल्दी आई और चिल करो भाई ठीक है सब चिले हम लोग के बीच में रियल लाइफ में ठीक है वो मैं उसे कभी बात हुई कि रियल लाइफ पे सामने से अच्छे से होकर बात करूंगा उसका मेरे से कभी बात होगा मैं वो मेरे से सामने से होकर अच्छे से बात करेगा गेम गेम का गारंटी मैं तुम लोग को दे नहीं सकता ऑफ स्ट्रीम वो हमको गाली दे मैं दिल पे नहीं लगा मैं उनको गाली दूँ ऑफ स्ट्रीम वो सब गेम का रेज है वो सब रहता है एड्रेनलिन रश ठीक है तो अब तुम जाके भाई वो जिगोर्ड को हिट मत दो ठीक है वो बेचारे को कभी हिट नहीं मिला है थोड़े डिप्रेशन में आ गया वो मस्ती कर रहा है पर उसको जाके हिट मत दो ठीक है उसके उसने किसी को गाली नहीं दिया और उसके एडिटर ने शायद देखा नहीं देखो मैं पेंट पुंडरी को वीडियो देता रॉ फुटेज देता ठीक है मैंने दुनिया भर की टीम्स को गाली दी है वो आज तक उसने एक क्लिप नहीं डाला है वो बेचारे ने एडिटर ने नहीं देखा रहेगा वो गया रहेगा उसकी गलती है जो भी है पर अभी हो गया हो गया ठीक है तो अभी चिल करो क्या घातक क्या बोल रहे है अरे इसमें एक तो टिक मार्क वो अच्छा तेरा वेरीफाइड नहीं है ना इसमें अभी मैंने जो स्टोरी वोरी डाल दिया था वो सब रेज रेज में डाल दिया था क्योंकि मेरी कोई मैंने ऑफ स्ट्रीम गाली दिया मैंने ऑन स्ट्रीम टारगेट नहीं करा अब लोग मेरे को आके बोल रहे पीएमडब्ल्यूएल पीएमएससी अच्छी बात है ना वो खेले अच्छी बात है वो खेले मैंने आज तक कभी उस चीज़ को लेके बोला है नहीं आने वाले टाइम में वर्ल्ड टूर्नामेंट खेले पीएमएससी खेले पीएमडब्ल्यूएल खेले उनके नाम के आगे अचीवमेंट बढ़ रहा है उनके लिए अच्छी बात है मेरे को मैं उनसे जल रहा नहीं हूँ ना मेरे को उनसे कुछ लेना देना है तो वो अपने जगह पे सही हम लोग अपने जगह पे सही है हाँ ऑन स्ट्रीम में गाली दे रहा है तो आप मेरे को आके भरो मैं मानता ऑफ स्ट्रीम मेरे मुँह से रेज रेज में निकल गया वो आप लोगों के सामने कभी यूट्यूब पे किधर दिखेगा नहीं आपको ठीक है अपनी अग्रीज 420 को लेके तो गाइस 420 ने ये बोला कि उनको पता चल गया कि गेम कब आ रहा है तो 420 ने क्या बोला बीजीएमआई को लेके तो वो आप लोग क्लिप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे अभी देख ही सकते हो हमें भाई एक हमें एग्जैक्ट डेट पता लग चुकी है देखो अभी तक मुझे नहीं पता थी बट अब हमें एग्जैक्ट डेट पता लग चुकी है एक डेट मिल चुकी है अपने को जिधर गेम आने वाला है एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि भैया गेम जल्दी आने वाला है हाँ भाई कब देते हैं लीक्स ये सही टाइम लग रहा है मुझे लीक्स देने का तो भाई देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था आज से जब अपना भी प्री रिलीज आया था गेम गार्ली एक्सेस आया था कि गेम हो सकता है कि इस महीना है और हो सकता है कि अगले महीने है बट अब मेरे को कन्फर्म्ड है कि गेम अगले महीने ही आने वाला है तो भाई इस महीने भूल जाओ कि आईएस में गेम देखने मिलने वाला है ना ऑफिशियली गेम देखने मिलना है इस महीने गेम नहीं आने वाला है अगले महीने की वेट करो अगले महीने आएगा गेम तब तक चिल मारो दे दिया मैंने मेरा लीक जो मेरे को देना था बॉयस तो यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी